हाय गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़हीर टेक्निकल टीवी। तो दोस्तों, आपका ज़हीर टेक्निकल टीवी में वेलकम होगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही ख़ास और कमाल का होने वाला है। YouTube वीडियो के लिए नया ऐप आ गया है, एक मिनट में थंबनेल बनाए। मैं कहता हूँ इससे अच्छा ऐप कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी एक थंबनेल बनाना नहीं आता या अगर आप पहले किसी ऐप से थंबनेल बना रहे हैं, तो उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो उस एप्लीकेशन को आप डिलीट कर देंगे। उस एप्लीकेशन से आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जो मैं आज आपके लिए सन 2020 में नया एप्लीकेशन लेके आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन से आप लाजमी थंबनेल बनाएंगे और बहुत कमाल के बनेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक ज़हीर टेक्निकल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से कर दें सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें ताकि जो भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ का नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक टारगेट भी इस दफा हम 10 रखते हैं, क्योंकि इतना टारगेट कोई लाइक नहीं करता, हमारी वीडियो को देख तो लेते हैं। तो उस वीडियो का दोस्तों टारगेट 10 है, उम्मीद है आप 10 टारगेट पूरा कर दें तो आपका बहुत शुक्रिया होगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, आपने इसको वहाँ से कर लेना है डाउनलोड। इस एप्लीकेशन को मैं अभी ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन से क्या कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह थंबनेल बनाएंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ये एप्लीकेशन अब ओपन हो रहा है, वेट कर लें। दोस्तों, एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जहाँ पे आपको पहले नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहले इसको सिलेक्ट करें। जहाँ पे आप किसी भी चीज़ का थंबनेल बना सकते हैं, यहाँ पे आपको फेसबुक, ट्विटर, सब कुछ का थंबनेल आप यहाँ से बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम यूट्यूब का थंबनेल बनना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट पेज पर। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पर क्लिक करना है एड न्यू, उस पर आप जैसे क्लिक, जो आपके मोबाइल में पिक्चर सेव होंगी जितनी भी, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी ऑनलाइन पिक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, वैसे तो आप अगर पिक्सल लैब से बनाते होंगे तो आपको गूगल में जाना होगा, गूगल से या किसी और जगह से आप डाउनलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर ये भी बहुत कमाल का फ़ायदा है कि आप ऑनलाइन कोई भी पिक्स डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसके बाद ड्रैग एक सेकेंड के अंदर आप कैमरा भी पिक्स से बना के अपने थंबनेल में लगा सकते हैं। यहाँ से आप एड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जहाँ से लिखाई को भी आप बेहतर कर, जहाँ से आप बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और जहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूँ थोड़ा सा, बहुत से आपने वीडियो भी देखी होगी यूट्यूब पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये थंबनेल। दोस्तों देख लें, ये भी इसी एप्लीकेशन से बना हुआ है। नौजवानों के लिए ज़ोंग कंपनी को फौरी मुफ्त इंटरनेट फराहम करने की इजाज़त दे दी गई है। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त कहते हैं यार ये थंबनेल कैसे आप लोग बनाते हो, किस एप्लीकेशन, लेकिन आपकी कोई हेल्प नहीं करता, आपको कोई नहीं बताता। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये थंबनेल भी आप एक इस एप्लीकेशन के ज़रिए बना सकते हैं और किसी एप्लीकेशन के ज़रिए ये थंबनेल नहीं बना सकते। जहाँ पे पीछे आना है आप, ये इस तरह इमरान खान की तरह जैसे किसी ने थंबनेल बनाया, आप भी इस तरह बना सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, जियो न्यूज़, जहाँ पर आपको लिखना है जियो न्यूज़। उसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, कुछ लोडिंग लेगा, लोडने के बाद आपके सामने सब कुछ इंटरफेस आ जाएगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास खाली पिक्चर आ चुकी हैं जियो न्यूज़ की। तो जहाँ पे मैं एक पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, बहुत से दोस्त कहते हैं यार ये आप लोग कैसे बनाते हो, तो आज मैं उनको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह आपके सामने एक पिक्चर आपने ले लेनी है और जहाँ से, उसके बाद आपको जहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद इस पिक्चर में आप कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं और साथ इमरान खान की पिक्स भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं गूगल से या किसी जगह से। तो यहाँ पे आप दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सिर्फ YouTube लिखता हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube लिखा गया। उसके बाद आपको जहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको सेव पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जहाँ पर फाउंड पर क्लिक करना है, फाउंड पर। उसके बाद ये भी इस एप्लीकेशन में बहुत बड़ा फ़ायदा है, वैसे तो आप अगर पिक्सल ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें जमील नूरी ऐड करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जमील नूरी ऑलरेडी आपके इस एप्लीकेशन में मौजूद होगी। उसके बाद आप यहाँ से कलर भी कोई चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं ये कलर दे देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से लिखाई को बेहतरीन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ से लिखाई को भी बेहतरीन कर। इस तरह इस एप्लीकेशन के अंदर इतने फ़ायदे हैं। अगर दोस्तों, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो इस पर बना दूं, लेकिन आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये सिर्फ मैंने बताया है कि इस एप्लीकेशन से आप बहुत कमाल के इस तरह बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत कुछ है, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको।
जहाँ पे आप ऑनलाइन कोई भी पिक्स डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस एप्लीकेशन के दोस्तों इतने फ़ायदे हैं, अगर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं, ट्यूटोरियल्स भी इतने हैं ज़्यादा कि आपको क्या बताऊं। बस आप एक बार इस एप्लीकेशन को खुद डाउनलोड करके अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर टाइम मिला कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपको इस एप्लीकेशन का सारा कुछ बता दूं। लेकिन उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी होगी, आप इसको एक बार यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये कितनी एप्लीकेशन कमाल की है। तो आप यहाँ से थंबनेल भी बहुत ही आसानी के साथ घर बैठ कर बना सकते हैं। थोड़ी सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि आपने थंबनेल कैसे बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी पिक्स ले लेने हैं, जिस भी अगर आप टॉपिक पे बनाना चाहते, किसी टॉपिक पे नहीं बनाना चाहते, यहाँ से आपको क्लिक करना है कलर पे, यहाँ से आपको पीछे बैकग्राउंड दे। उसके बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास उर्दू बैकग्राउंड नहीं है इसलिए मैं सॉरी करता हूँ, और मैं आपको इंग्लिश टाइप करके कोई भी दिखा देता हूँ। यूट्यूब, बस मैंने सिर्फ यूट्यूब लिख दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, और कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ये इतनी एप्लीकेशन मुश्किल नहीं है कि आपको किसी ऑप्शन की समझ नहीं आएगी। ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में कुछ आपने लाजमी लिखना। ओके, अल्लाह।